तीन ओवर का मुश्किल मैच और तीन ओवर में तीन बॉलर लगाना जरूरी। तो फिर चौधरी पहला ओवर करते हुए और ऐसा बॉल क्या था, इसमें बॉल था शॉट करने में कामयाब। लाइन के लेते सवाज उमर में ना पाकिस्तान के अपनी इसका हिस्सा और थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सुकलां बेस्ट ऑफ थ्री चैलेंज मैच, मुकरिया टाइगर वर्सेस आलमगढ़। पहले दोनों ने एक एक मैच जीत रखा है, अब तीसरा फैसला कुन मैच और जनाब तीन दिन ओवर का ये फाइनल मैच है, तीसरा मैच है। दोनों टीमों ने पहले एक एक मैच जीत लिया है और इस दफा जनाब आउट हुए हैं उमर मैना लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, पहले ओवर के तीसरे बॉल पर आउट हो गए हैं। सहेल बारू पहला ओवर कर रहे हैं, तीन बालों पर एक छक्का दिया, एक आउट हो गया जी। ट्रैक पर मौजूद है पिछले मैच का हीरो शामी कालरा। शामी ने पिछले मैच में 7 छक्के लगाए थे और वन मैन आर्मी क्लास शो करके अपनी टीम को मैच जितवाया था। व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ ग्रेट शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गए, सॉरी जी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर कमाल कैच पकड़ा है हसन लाफ्टी ने। लग रहा था छक्का लेकिन इन बाउंड्री शॉट था, कैच पकड़ लिया शामी का। यहाँ पर पहले ओवर में बड़ा धचका, विनर बल्लेबाज विनर बैट्समैन शामी विराज इज गॉन। स्ट्राइक पर पहुंचे हैं अब जनाब नेक्स्ट बल्लेबाज तमूर जूनियर हैं, दूसरे रन पर मौजूद थे। सहेल बारू हैं, अच्छा बॉल, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। और यहां पर लाला जी जनाब वेलकम वेलकम जनाब, अब शेरी बॉर्डर स्ट्राइक पर मौजूद है, अहमद साथी नियर हैं बॉलर, अच्छा बॉल, बिल्कुल स्लोवर बॉल था, डॉट हुए हैं बाल बाल बच्चे यहां पर शेरी भट्ट। फाइनल मैच, तीसरी गेम, फाइनल गेम, आलमगढ़ वर्सेस जनाब मुकरिया टाइगर्स की टीमों के दरमियान। शेरी भट्ट अब स्ट्राइक पर मौजूद है, पहले मैच जितवाया था शामी कालरा ने, अब शेरी भट्ट का बल्ला चलना जरूरी है। कैचिज कॉल है, सीधा हाथ में रहमान शाह है जी, रहमान शाह बेस्ट फील्डर है, कैच पकड़ लिया है शेरी भट्ट का। दूसरी विकेट गिर गई है आलमगढ़ की, दूसरे ओवर के दूसरे बॉल पर, टोटल तीन ओवर का मैच है। देखो तो अच्छी ओवर नहीं है पर आलमगढ़ की, अभी सिर्फ रन में भी 6-7 है। सहेल भाई फ्रॉम फॉर्म ही चले जा रहे हैं राजा भाई, थैंक यू जी जी शान लियाकत भाई वेलकम जी। कहाँ हो रहा है मैच, मैच हो रहा है जनाब गुजरात की का विलेज है सुकलां, सुकलां की लोकेशन है गुजरात से जो रोड जा रहा है जलालपुर जट्टा रोड के ऊपर, ये बिल्कुल सुकलां टिब्बी सिकवा आमने सामने दोनों विलेजेस हैं। अब दूसरे ओवर का खेल जा रही है, तमूर जूनियर टू फेस करेंगे सईद अहमद शाह को, स्लोवर बॉल, व्हाट अ ग्रेट पेस, कमाल स्लोवर बॉल किया है डॉट, अहमद शाह सीनियर कमाल तजर्बे से जनाब बॉलिंग कर रहे हैं। इस ओवर के तीन बॉल डॉट कर दिए, बिल्कुल जी टीम आलमगढ़ देखो तो अभी तक इस मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है बल्लेबाजों की, गुड यार कह रहे हैं। दफा फाइनल पर शॉट मारा है, दो रन मिलेंगे फ्रेंड्स, तीन ओवर का मैच है, अब दूसरे ओवर का खेल जा रही है, इसके बाद आखिरी ओवर होगा। रन कितने कोई लिख रहा है यार, सिर्फ 9 रन था जी, 2.1 में भी 4 ओवर हो गए,
What a ball! Great bowling by Ahmed Shahsinir, Jamalpur Saidan, Punjab Police. Good यार, कह रहे हैं यार, वीडियो शेयर कर लो जी, जो जीतेगा वो यहाँ से 15,000 रुपये का पहला नाम अपने नाम कर जाएगा। और आलमगढ़ के बिग स्पॉन्सर हैं जनाब फखरे गुजरात, फखरे आलमगढ़, हाफिज बैर भाई के स्पॉन्सर से ये जनाब बेस्ट ऑफ थ्री चैलेंज मैच रखा गया था। अच्छा बॉल, लेकिन स्टेट अंबार अली हसान ने बाजू खोले हैं, वाइड बॉल का सिग्नल दिया है। अब्दुल रहमान भाई वेलकम, गुड बॉल कह रहे हैं, गुड यार कह रहे हैं मलिक कासम। सुकला क्रिकेट ग्राउंड में जारी है गुजरात के 22 प्लेयर, बिल्कुल जी ये 22 के 22 प्लेयर जो है ना, ये ऑल गुजरात बेस्ट प्लेयर हैं। सारे ही जो शहजादे हैं ना, बिग क्रिकेटर, वो आमने सामने हैं। दोनों टीमों में गुजरात के सारे स्टार शामिल हैं। अब्दुल रहमान भाई वेलकम, थैंक यू। बैट्समैन कौन है? हैदर बट गुजरात हैं, स्ट्राइक मैन वजूद। अच्छा बॉल, अहमद शाह सीनियर का बड़ा जबरदस्त कामयाब ओवर। रन को लिखता पे कितने हुए ना शेरी भाई रन दे। फ्रेंड्स सिर्फ 11 रन था जनाब टीम आलमगढ़ के दो ओवर में। देखो तो बिल्कुल जी वेरी बैड परफॉर्मेंस टीम आलमगढ़, सिर्फ 11 रन है दो ओवर में। इस ओवर में 4-5 छक्के लगाना पड़ेगा तमूर को। तमूर जरूर सलाहियत रखते हैं, बड़े जनाब टॉप हिटर हैं, जरूर सलाहियत रखते हैं छक्के लगाने की। शजेब नहीं बारू हैं बॉलर, आखिरी ओवर करेंगे। ये दवा शाह पैच लगा है, दो रन आ जाएंगे जी। तेरह रन जनाब, 2.1 ओवर में आखिरी ओवर है, 5 बाले आखिरी ओवर की। तमूर जूनियर ए दवा छक्का जार दिया है, बिल्कुल ही। अगर तमूर जूनियर 3-4 छक्के और कर जाते हैं तो फिर मैच में थोड़ी सी कह लेंगे मैच में ट्विस्ट आएगा, थोड़ी सी वापसी आएगी, टीम कह लें फाइट करेगी। 4 रन क्या है, बिल्कुल जी 2.2 ओवर में 19 रन, 4 बाले आखिरी ओवर की बाकी। 4 छक्के लगाते हैं तो टीम आलमगढ़ फाइट करने में हो जाएगी जी। ए दवा कैच इज कॉल, महरा वैस कह ले कि जनाब दौड़े जरूर है लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कैच किधर है, थोड़ा सा आगे आगे थे। मलिक रिजवान आपको सलाम दे रहे हैं। तमूर जूनियर 3 बाले हैं इस ओवर की, आखिरी ओवर की पहली बैटिंग है, फाइनल मैच है बेस्ट ऑफ थ्री का, गुजरात चैलेंज शो मैच आलमगढ़ वर्सेस मुकरिया टाइगर। इतवा दूसरा छक्का, 2 छक्के, बिल्कुल जी। अगर मेरे हाल में 40 रन बन जाते तो फिर फाइट होगी, क्योंकि अच्छी खासी बॉलिंग मौजूद है यहाँ पर टीम आलमगढ़ के पास। दो छक्के और लगाते हैं तो मैच जनाब कह लेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शजेब नहीं बारू, सामने है तमूर जूनियर, तीसरा छक्का, बिल्कुल जी फाइनल बाउंड्री के ऊपर थे, तीसरा छक्का यहाँ पर तमूर जूनियर के बैट से। ये छक्के यकीनन कह लेंगे इतना बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन ये कह लेंगे एक पॉजिटिव एज मिला है ये 3 छक्के। जब लग रहा था टीम यहाँ पर जनाब आलमगढ़ सिर्फ 20-30 रन बनाएगी तो यहाँ पर तमूर जूनियर के ये छक्के बड़े मायने रखते हैं।
आखिरी बॉल और नो वाइड बॉल की गाल है। शेरी भाई रन कितने हो गए हैं? 34 आखिरी बॉल है बिल्कुल जी, छक्का लगता है तो रन आ जाएंगे 40। तमूर जूनियर आखिरी ओवर में जबरदस्त बैटिंगी है। इनाम है जी 15,000, दूसरा नाम है 5,000। चानी जमीर भाई वाह डीजे, और छक्का चार दिया है। एक ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम आलमगढ़ को बिल्कुल जी यहां पर थोड़ी सी कह लेंगे वापसी करवाई है मैच में। 18 बॉल पर जनाब 42-1 41 रन का टारगेट। लो जी आखिरी जो 4 छक्के लगाए हैं तमूर जूनियर ने, मैच में ट्विस्ट पैदा कर दिया है और टीम आलमगढ़ को यहाँ पर जनाब अब कह लगी कि फाइटिंग मैच खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगी, छोटे स्कोर पर फाइट। फाइनल मैच है बेस्ट ऑफ थ्री का, पहला मैच जीता था मुकरिया ने, दूसरा आलमगढ़ हाफिज बैर आलमगढ़ ने, अब तीसरा फाइनल मैच। ये चैलेंज शो मैच रखा गया था जो गुजरात के टॉप 22 जनाब प्लेयर्स हैं उनके दरमियान चैलेंज मैच। यासीन रियाज फेस करेंगे दाऊद लाफ्टी को। कवर का मैच है तो सभी लाना बिल्कुल जी। 40 यहां पर पहला ओवर करेंगे जनाब दाऊद लाफ्टी, पहला बॉल वाइड, वाइड बॉल कर दिया है ओवर हाइड बॉल। कतालीये 40 टारगेट है, 41 का टारगेट है जी, 18 बॉल पर। अच्छा बॉल रोल शॉट खेले यासीन, एक ही रन आएगा। फ्रेंड्स मैं पहले बताता चलूं, ये मैच जाएगा आखिरी बॉल तक तकरीबन, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, फाइनल मैच। काका आए हैं नेक्स्ट स्ट्राइक पर मौजूद, काका बट काका मुकरिया ने दोनों मैचेस में तकरीबन 6-7 छक्के लगा रखे। काका मुकरिया लादियां की टीम नहीं है जी, ये गुजरात की दोनों टीमें। हावर करीम भाई थैंक यू जी, 50,000 रुपया किसके लिए हावर भाई? क्या चीज कॉल है, शेरी बट बॉल के नीचे हैं, कैच पकड़ लिया है, व्हाट अ ग्रेट कैच। शेरी बट विकेट कीपर दौड़ते हुए गए हैं जनाब दायरे के अंदर, कमाल कैच पकड़ा है। मुश्किल क्या था जी, मुश्किल क्या था, ये बहुत मुश्किल क्या है। अच्छा जी अपने सीनियर कमेंटेटर लो जी नामुमकिन कैच पकड़ लिया है, ये कैच तो था बॉलर का लेकिन शेरी बट दौड़ते हुए गए हैं विकेट कीपर और कैच पकड़ लिया है।
दायरे के अंदर में डॉन बार मोहम्मद आसम भाई वेलकम करते हैं। लादियों की टीम नहीं है भाई, अब स्ट्राइक पर मौजूद है यासीन रियाज, दाऊद लफ्ती हैं बॉलर। हाफिज भाई थैंक यू। डीजे भाई मैंने बोला है कि दोनों टीमें अपनी हैं, जबरदस्त मैच बिल्कुल ही बड़ा इंटरेस्टिंग। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, फाइट होनी चाहिए, हार जीत तो मैटर नहीं करती, फाइट मैटर करती है कि कितना आप जबरदस्त खेले हो। दाऊद लफ्ती इदवा लॉन्ग ऑफर शॉट मारा है, अहमद शाह लेफ्टी है, फील्डर एक ही रन जाएगा। बिल्कुल जी दाऊद लफ्ती बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बांध कर रखा हो यहाँ पर बल्लेबाज को। इस जनाब चैलेंज शो मैच बिग बेस्ट ऑफ थ्री चैलेंज शो मैच के ऑनर हाफिज बहर भाई मेरे साथ आ गए हैं, फखरे आलमगढ़ सऊदी अरब में बैठकर जनाब टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमों में गुजरात के शानदार नामवर प्लेयर, 11 के 11 ओपन प्लेयर हैं गुजरात। लेफ्टी बल्लेबाज आए हैं जनाब अकमल पोपी फ्रॉम टिब्बी सिकवां। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फाइनल मैच सुकला क्रिकेट ग्राउंड में, जबरदस्त क्राउड भी आ गया, काफी क्राउड इस मैच को देख रहा है जनाब। ए दवाचा बॉल, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग बाय दाऊद लफ्ती। बिल्कुल जी आखिरी ओवर में जो चार छक्के लगाए थे तमूर जूनियर ने, वो चार छक्के काम आएंगे जनाब जरूर टीम आलमगढ़ को। कह रहे कि वो मैच विनिंग सिक्स लगाए थे तमूर ने। लो जी अहमद लफ्ट, सॉरी अकमल पोपी फेस करेंगे दाऊद लफ्टी को। दाऊद लफ्टी जबरदस्त ओवर कर रहे हैं, फाइनल मैच बेस्ट ऑफ थ्री का फाइनल मैच, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग। जितनी तारीफ करूं जनाब यहां पर कम है दाऊद लफ्टी की, छोटे स्कोर पर फाइट कर दी है, छोटा टारगेट है। टीम मुकरिया टाइगर को टफ टाइम दे रहे हैं जनाब दाऊद लफ्टी, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन जी। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग यार, ग्रेट बॉलिंग बाय दाऊद लफ्टी, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, एक विकेट भी गिराई है। लो जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच, अभी एक बॉल सॉरी है यहाँ पर दाऊद लफ्ती की, सामने है यासीन रियाज, 41 रन का टारगेट है, 5 बॉल पर सिर्फ 3 रन। इदवा अच्छा बॉल था, ओ माय गुडनेस। इसीलिए हम कहते हैं क्रिकेट खेलनी चाहिए तो किट पहन कर आए, सलवार कमीज में फील्डर को चकमा दिया है बॉल ने, एक्टिव नहीं थे, और हैदराबाद से फील्डर बॉल गया है बाउंड्री लाइन पार, 4 रन करी, 7 रन हो गए। मैंने पहले बताया था तीसरे मैच में आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। ओवर में 8 स्कोर हुआ है, और तुसी के कारण नहीं पढ़ते। लो जी जब मैच शुरू हुआ था तो मैंने बताया था अगर बेस्ट ऑफ 3 हुई ना तो बड़े बड़े आपको यहाँ पर ड्रामे नजर आएंगे, और लड़ाई झगड़े भी होंगे, अंदर बाहर भी होगा। चलो लकमान गुजर मुकरिया ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। चलो चलो यार मैच शुरू करो, तू चौधरी हसन ने मुझे 2000 रुपये गिफ्ट दिए, थैंक यू हसन भाई। बस लान करवाया अगले माह किस्त मिलेगी। एक किस्त आने सोते ने लड़ते लड़ते ओ शेरी भाई तुसी कठे ना ना तुसी आते कला वो बॉलर अगला सिलेक्ट कर लो। आलू पटाटो गरम अंडे जी, गरम अंडे गरम दो ओए शाबाश नहीं शेष के ने शाबाश भाई अल्ली ओए ए के यार कर देना यार चल तुम ही चलो थे जन्नू का ना
ਅਨ ਪਰਾ ਲਾ ਜੋ ਪਿਛਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੱਟਾ ਦੀ ਉਹ ਸੰਨੀ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਮੈਚ ਉਹ ਸੰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਯਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਨੀ ਸਰ ਰਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਨਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਕਮਲ ਫੋਪੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਸੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਕਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸੰਨੀ ਓ ਚੇਰੀ फ्रेंड अकमल पॉपी स्ट्राइक पर मौजूद है सनी सुंदर बॉलर हैं बैट्समैन है बॉलर सनी सुंदर बैट्समैन अकमल पॉपी रन फ्रेंड चाहिए 31 32 12 वाले 20 32 रन ओ व्हाट अ ग्रेट यॉर्कर व्हाट अ यॉर्कर बॉल बाय सनी सुंदर वीडियो को शेयर कर दें मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया फ्रेंड द फाइनल मैच बेस्ट ऑफ 3 का तीसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग 11 बाले 31 रन चाहिए मुकरियां टाइगर्स को बेस्ट ऑफ 3 जीतने के लिए जेबी शादीवाल है जी जेबी शादीवाल है लेकिन वो इंजर्ड है मे बी और व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग सनी सुंदर कमाल स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहे एक्सीलेंट बॉलिंग बाय सनी सुंदर हमजा सईद भाई वेलकम करता हूँ आपको अहमद राजपूत वेलकम जेबी शादी वाले हैं वो भी मे बी अनफिट हैं बॉलिंग नहीं कर रहे और जनाब 3 ओवर में 41 रन का रिक्वायर्ड रन का टारगेट रिक्वायर्ड है टीम मुकरिया को दूसरे एक शारिया दो ओवर में सिर्फ 8 रन है मे बी ओ हाथों में से कैच निकल गया है बॉलर स्टेट चौधरी बलावल वराज भाई थैंक यू सो मच प्यारे भाई 34 चाहिए जी भाई नहीं भाई 7-8 रन आए थे कितने रन है शाह जी हूँ 31 रह गए अगे तुम बिल्कुल जी अब 31 रन आ गए हाफज जी मुबारक कह रहे हैं जी हावर करीम भाई एडवांस में मुबारक दे रहे हैं हाफज बैर भाई को बिल्कुल जी चाहे क्रिकेट हो चाहे जोन सी भी फील्ड हो आपकी जनाब कह रहे हैं कि नेक नीति बड़ी मायने रखती है ये दवा छक्का लगा दिया यासिम रियाज ने स्टेट बॉन्ड के बर्दे दोनों एंड से जनाब प्लेयर्स अपने अपने बल्लेबाजों और बॉलरों को टिप्स दे रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो लेकिन मेरे ख्याल में ये मैच आखिरी बॉल पर जाने वाला है सन्नी सुंदर स्पीड स्टार बॉलर है सही जानी शाह जी वेलकम करते हैं वर्ल्ड एंड कह रहे हैं जी हाफिज बैर भाई ये तो बादशाह बॉल सनी का हैदर शाह दो रन बना लिए तेजी से यासीन और अकमल पॉपी ने ट्वेंटी 3 रन रिक्वायर्ड है जनाब बाले रह गई मे बी 8 और रह गया यार यासीन रियाज फेस करेंगे सनी सुंदर को फाइनल टाकरा फाइनल मैच 7-24 कह रहे हैं बिल्कुल जी हमजा सईद थैंक यू और सापाज लगा है शेरी बॉल एक्सीलेंट एफर्ट बड़ी जबरदस्त जनाब यहाँ पर एफर्ट की है शेरी बट ने और कैच तो ड्रॉप कर दी लेकिन जंप करके जनाब कोशिश जरूर अच्छी थी जेबी शादी वाला आखिरी ओवर करेंगे मैच हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग ये होती है क्रिकेट बिल्कुल जी जब पहला मैच जीती थी टीम मुकरिया तो लग रहा था ये बेस्ट ऑफ 3 वन साइड वाली जीत जाएगी मुकरिया लेकिन टीम आलमगढ़ ने रफ्ता रफ्ता कम बैक किया है मैच में
और तीसरे मैच में गिरफ्त बना ली है। आखिरी ओवर में चार छक्के चाहिए जी भाई। 22 जेबी शादीवाल आए हैं ओवर नंबर 3 तीसरा आखिरी ओवर करने के लिए। आखिरी यार रन कितने रह गए ने? 22 रन रह गए। शेबी अजेबी फोल्डर बॉल है और कमाल एफर्ट, कमाल एक्सीलेंट एफर्ट, व्हाट अ ग्रेट फील्डिंग यार। सन्नी सुंदर ने जंप करके छक्का सेव कर लिया है, जैनी के छक्का उतार लिया है। बॉल जा रहा था बाउंड्री लाइन पर, लौंगा बाउंड्री के ऊपर थे। ये बाउंड्री जो सेव की है सनी ने, ये बड़ी जनाब कारामद होगी टीम आलमगढ़ के लिए। छक्का सेव कर लिया, 5 बॉलें 20 5 बॉलें 3 छक्के मस्ट। ए दबाचा बॉल ग्राउंड शॉट, एक ही रन जाएगा। व्हाट अ क्रिकेट, दूसरा रन भी निकल पड़े हैं। 3 बॉलें 3 छक्के, हैट्रिक करना पड़ेगी। 4 बॉलें 3 छक्के, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था ये मैच आखिरी बॉल पर जाने वाला है। वीडियो की शेयर कर दे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच। कैच इज कॉल है, कैच इज कॉल, स्टेट बाउंड्री के ऊपर आउट होने का खतरा है। ओह माय गुडनेस, ये क्या, व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस, ये क्या किया सन्नी सुंदर और दाऊद लेफ्टी, दोनों ने यस नहीं किया, कैच दरमियान में गिर गया है। दोनों पास खड़े देखते रह गए हैं, दोनों के दरमियान कैच गिर गया है। इसे कहते हैं हाँ बिल्कुल जी बैड लक। 3 बॉलें 16 रन चाहिए यहाँ पर आलमगढ़ को मैच जीतने के लिए, सॉरी मुकरियों को। इधवा गैप शॉट है, व्हाट अ ग्रेट फील्डिंग यार, व्हाट अ ग्रेट फील्डिंग। 2 रन मिल जाएंगे लेकिन अब, और अब जनाब कह लगे यहाँ पर 99% मैच जी चुकी है ना, बल्कि 100% आलमगढ़, क्योंकि 2 बॉलें हैं 14 रन है जो नामुमकिन है यासीन के लिए। अगर एक्स्ट्रा करते हैं जेबी तो फिर बात बनेगी, टीम मुकरियां वापस होगी। डोंडर एक्स्ट्रा, ओह माय गुडनेस, ये क्या कर दिया। मेरे ख्याल में जेबी को 2 छक्के खाने चाहिए थे लेकिन जेबी स्पीड 4 मार रहे हैं। 2-2 बराबर हो गए क्योंकि 2 छक्के लगते भी तो मैच जीत जाना था टीम आलमगढ़ ने, लेकिन इस दफा अवॉइड करके टीम मुकरियां को एडवांटेज दिया है। मैच बराबर करो, अब मैच बराबर करने की चॉइस है जनाब यहाँ पर टीम मुकरियां के लिए। 2 बॉलें 13 रन, 2 बॉलें 13 रन रह गए। फ्रेंड मोहम्मद अहमद भाई वेलकम, ये लाइव ट्रांसमिशन आप डीजे साजी नूर पेज पर देख रहे हैं। व्हाट अ बॉल, मैच जीत लिया आलमगढ़ बेहतरीन, मैच जीत गई है टीम आलमगढ़ यहाँ पर 2-1 से बेहतरीन मैच जीत कर जनाब चैंपियन बन गई है। हाफिज बैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लो जी बिल्कुल ही बड़ा ही यहाँ पर फाइनल ट्रस्टिंग हुआ है और एक बाल पहले यहाँ पर मैच जीत गई है टीम आलमगढ़ आफत बैर आलम। भैया का भाषण क्या हो गया जी, सारे हट गए, मैं बंदा कौन बोल बट्टे मार भाजी आलमगढ़। बिल्कुल जी टीम बिल्कुल ही कह लेंगे बड़ा अपसेट हुआ है यहाँ पर मुकरियां टाइगर बड़ी जबरदस्त। ये है अहमद भट्ट, मुबारकबाद हो। शामी आज का हीरो, शामी मराज आज का हीरो, बिल्कुल ही हैदर शादी बेस्ट ऑफ थ्री पर आदरी अब देख। ये है तमोर जिनके 4 छक्कों ने काम कर दिखाया हैदर शाह जी, हैदर शाह जी हाफिज साहब के लिए आपने बड़ी एफर्ट करके आलमगढ़ को, पहले लग रहा था 1-0 आलमगढ़ हार जाएगी, ये हाफिज साहब की कह ले कि लक है।
आहो शहीद आसम शाह जी अल मरूफ पोपे शाह जी, ये मेरी सपोर्ट थी यहाँ पे तमूर को। और शाह जी लग रहा था आलमगढ़ वन साइड वाली हार जाएगी, मेरे ख्याल में तो ये नहीं, जब जैसे सिचुएशन शुरू से चली है, पहला मैच उन्होंने जीता है, बाद में दो मैच और तीसरे मैच में कम लो स्कोर पर भी जीत पे हो, शामी महर और तमूर मिर्जा तो फिर हारने का क्या डर। हाँ हाँ, साहब को क्या बोलेंगे उनकी टीम है। साहब आपके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद है मेरे लिए, मेरी तरफ से आपको, और यहाँ पे तमूर को, शामी महर को, शेरी भट्ट को, और दाऊद लेफ्टी स्पेशली जेबी ने जो आखिरी ओवर किया है, सनी सुंदर और तमाम टीम से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे तमूर जूनियर के जो चार छक्के थे, मेरे ख्याल में वो जनाब जीत का सबब बने, मैच टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, जहाँ पे तमूर ने चार छक्के लगाए हैं, दो ओवर में सिर्फ 11 रन थे आपके। और सबसे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे बॉलिंग को, दाऊद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसके बाद सनी ने, और फिर लास्ट ओवर जेबी ने कमाल कर दिया, यहाँ पे मैच का मजा आ गया। बहुत बहुत मुबारकबाद हो शुक्रिया। और टीम कैप्टन है शेरी भट्ट, शेरी भट्ट बहुत मुबारक हो आपकी टीम में, धीमे धीमे वो खरगोश और ये वो रेस थी कछुए और खरगोश वाली, बिल्कुल जी कछुआ सो गया जब उन्होंने बॉलिंग के लिए कहा जी वहाँ एक बंदा आ जाओ तीसरा ओवर करने के लिए, मेरे ख्याल में मैंने भी सोचा ये कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि ये गुजरात की मलाई खेल रही है, कभी भी मैच चेंज हो सकता है, मैच ये मैच का मजा आएगा, दोनों टीमें पहले सही, कभी भी क्रिकेट में इजी नहीं होना चाहिए, जब दो ओवर उनके 11 रन पर निकले हैं ना तो डग आपसे बात है ये किस को ओवर दिया जाए, अमेजन रात हुई ये क्या हो रहा है, उन्होंने बोला बात ठीक है एक बंदे को ओवर दे दो, वो भी बॉलर वो भी अच्छे, लेकिन उन्होंने शॉट बड़े सीखे हैं, उस टाइम में शॉट के जिस टाइम में टीम को जरूरत थी, वो वन मैन लड़ा है फाइनल में माशाल्लाह, तो हमें अल्लाह पाक ने बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ 3 चैलेंज, चैलेंज जीत लिया है टीम आलमगढ़, ये सारे शहजादे कमाल खेले हैं, सन्नी सुंदर कप कितने ही उठ के खलो, थैंक यू फ्रेंड, ये है चैंपियंस कार्ड आलमगढ़, बेस्ट ऑफ 3 चैलेंज ऑल गुजरात ओपन प्लेयर जीत लिया है, गुड बाय, लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद।